evans the brick ही वॉज नॉट अ वायलेंट सॉट ऑफ अ पर्सन अभी वान्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उन ये लाइन एड कर सकती हूं कि वान्स कोई वायलेंट पर्सन नहीं था ही वॉज क्वाइट अ प्लेजेंट पर्सन एंड वॉज अ स्टार एट अ क्रिसमस कॉन्सर्ट ऐसी बताते हैं ना जनरल की वो तो ऐसे क्रिसमस के क्लाउन की तरह है ठीक है ही वॉज अ क्लेप्टो मैनिया एंड हैड ब्रोकन जेल थ्राइस ठीक है क्लेप्टो मैनिया और तीन बार दे जोड़ चुका है क्लिप्टो मैनिक कौन होते हैं वो लोग जिनको थोड़ा सा ना कोई भी चीज़ अगर उन्हें दिखती है तो वो चुरा लेते हैं उसको उनका भी बीमारी हो तो नहीं लगता है कि वो उनकी है या मतलब वो चुरा लेते हैं कोई भी छोटी बड़ी चीज ठीक है ऐसा ना कि बहुत ही ज्वेलरी वेलरी सीरियल चुरा रहे हो कुछ भी एनी थिंग क्लिप्टोमैनियक्स ऐसे होते हैं ठीक है ही वॉज अ मास्टर प्लानर तो मास्टर प्लानर तो के लिए जब भी मैंने इवान्स वाले चैप्टर जो है हमारा उसके जितने भी कमेंट सेक्शन चेक करा है आप सब अच्छे कहते हो कि इवान्स इज जस्ट लाइक प्रोफेसर ऑफ मनी हाइस ठीक है आप लोगों ने ऐसे मुझे बताया था तो यस इवान्स एक बहुत मास्टर प्लानर है ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते इस बात को तो एवंस एक मास्टर प्लानर है और कैसे उसने जेल ब्रेक करी दिस चैप्टर आई थिंक सो पूरे हमारी इंग्लिश आज तक जितनी हमने पढ़ी उसका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक अकॉर्डिंग टू मी आपके अकॉर्डिंग क्या है आप मुझे बता सकते हो तो एवंस एक मास्टर प्लानर था एंड वो बहुत सोशेबल था सोशेबल कैसे था गाइस दोस्त देखो एवंस के ऐसे दोस्त हैं उसके ऐसे फ्रेंड्स हैं उसके कि भाई उसको जो है ऐसे जेल में से जो है ब्रेक करवा के उसको ले गए अपने साथ में तो इसलिए ऑब्वियसली सोशेबल था तभी तो उसके इतने अच्छे दोस्त थे तो एवंस वॉज अ मास्टर प्लानर

एग्जामिनेशन बोर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड द अरेंजमेंट ऑफ द होटल्स एक्सेट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा वो जो वैन आई दैट एक्सक्यूज हिम इन द सेकेंड एस्केप ऑल वाज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एवान्स फ्रेंड्स सब कुछ ऑर्गेनाइज तो बाद में एवान्स के फ्रेंड्स ने करा था तो ये हो गया हमारा आंसर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ मैं आई मे सरप्राइज एवरीबडी हैज सम स्पेशल सिग्निफिकेंस जो जब इवान्स कहते ना आई मे सरप्राइज एवरीबडी क्या इसकी कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस है डेफिनेटली है इवान सीम्स टू बी टेलिंग हिज टीचर दैट ही मे सरप्राइज एवरीबडी बाय डूइंग वेल इन द एग्जाम बट इन रियलिटी इट इज फोर वर्निंग दैट ही इज गोइंग टू सरप्राइज एवरीबडी बाय द मस्ट माइंडेड परफेक्ट एस्केप प्लान ठीक है तो वैसे तो वो अपने आ, कहते हैं कि नहीं मैं सरप्राइज कर दूंगा सबको अपने टीचर को कि अच्छे नंबर ले आऊंगा बट नहीं वो एक तरीके से उन्हें वार्निंग दे रहा था कि भाई मेरा मास्टर प्लान देखना तुम कैसा है ठीक okay. है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्टर ऑफ मैक्री हैज़ बीन अ गेम चेंजर इन द स्टोरी वन राइज ओ लेवल डू यू एग्री टू मार्क का क्वेश्चन है ये अब गाइज इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करोगे आई वॉन्ट कि आप मुझे आंसर कमेंट्स में बताओ कैसे बताओगे बेसिकली गाइज क्वेश्चन uh, का मैं आपको हिंट देती हूँ आपको इस क्वेश्चन में जो है मैकलेरी ने जो रोल परफॉर्म कराया है ना इवान्स के स्केप में वो बताना है अगर आपने वो रोल यहाँ मेंशन कर दिया तो डेफिनेटली अपने आप ये जो आंसर uh, है ये हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्यों देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है अब आप सोचो कि द करेक्टर मेकलेरी हैड बीन अ गेम चेंजर इन द स्टोरी वॉन्ट ट्राइज ओ लेवल डू यू अग्री कि वो एक गेम चेंजर है बट अगर आपने उसका रोल एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रोल उसने प्ले करा था तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि उसका रोल ही ऐसा था गेम चेंजिंग वाला तो जल्दी से मुझे कॉमेंट्स में मैक्री ने क्या रोल प्ले करा था अगर आपने वो आंसर कर दिया तो ये आंसर भी आपको हो गया देन हम बस स्टार्टिंग मेंशन करेंगे मेंस द करेक्टर मैक्लेरी बीन अ गेम चेंजर इन द स्टोरी बिकॉज और आगे आप मैकले का जो रोल था वो एक्सप्लेन करो टू मार्कस के हिसाब से थर्टी फोर्टी वर्ड्स में इतनी टाइपिंग करो जल्दी से मुझे कॉमेंट्स में बताओ मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फाइव पे क्वेश्चन नंबर फाइव वट वॉज द अन रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम ऑक्सफर्ड प्रेजेंट बाई द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन क्या रिक्वेस्ट करी गई थी दैट स्टार्टिंग के ही है ये दैट वन ऑफ द इमेज ऑफ द प्रेजेंट वॉन्टेड टू अपीयर फॉर द जर्मन ओ लेवल एग्जामिनेशन

सिक्योरिटी इवान्स रेजर एंड नील सीजर वर रिमूव फ्रॉम द सेल तो आप ऐसे अलर्न कर लो रेजर और नील सीजर उसके सेल से हटा दी गई थी द रेवरेंट स्टूअर्ट मेकलोरी हु वॉज द इन्वेजिलेटर वॉज फ्रेस्ट ऑन अराइवल जो रेवरेंट मेक्लेरी थे उनकी भी चैकिंग करी गई थी ठीक है स्टीफेंस वॉज ऑन ड्यूटी ऑल द प्रेजेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो पुट ऑन हाई एलर्ट सबको हाई एलर्ट पर रखा गया था देर वर टू लॉक डोर बिटवीन इवान्स सेल एंड के सेल से यार्ड तक दो लॉक डोर थे अ माइक्रोफोन वॉज ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन द सेल एज अ प्रीकॉशनरी इमेजर थ्रू विच द गवर्न

जर्मन टीचर हु शूक किम बाय हैंड एट एट थर्टी ऑनडे जून किस दिन पे मिलाल so ब्लॉक को समझ में नहीं आता क्या बोला है टीचर ऑब्जर्व दैट ही रिमोट चांस ऑफ गेटिंग थ्रू तो टीचर को लगता है कहां पास होगा यह इतना सिंपल सा वर्ड तो पता ही नहीं है एंड देव रिमार्क दैट ही माई सप्राइज एवरीबडी और सप्राइज का मीनिंग हम अभी पढ़ चुके हैं सप्राइज से मतलब वो एक

From the examination board, a paper knife, a Bible, and a current copy of the Church Times, except the last two articles, the rest were related to his morning duties as invigilators. Hai. so with this, let's move on to the next question now. Clues the what answer that? sheet of Evans provided the governor. Answer sheet, pe kya, kya clues to the governor the The index number 313 and the center number 271 on the answer sheet proved to be clues to the governor. Putting the two together and the, with the help of the ordinance survey map of the Oxfordshire, he managed to catch Evans in the hotel. होटल उसको पता लगा के उन्होंने होटल के बारे में पता लगाया ठीक है द गवर्नर हु इन रिएक्ट टू दिस नंबर एट दैट टाइम एंड लेटर ऑन तो गई स्टार्टिंग में कैसा रिएक्ट करते हैं वो ये नंबर्स को सुन के हमारे गवर्नर और बाद में कैसे तो इनिशियली द गवर्नर टुक दम एज रूटीन इन्फॉर्मेशन तो पहले नंबर वंबर पर उन्होंने ज्यादा गौर नहीं करा उन्होंने लगा रूटीन है ये तो एग्जाम में ऐसे नंबर्स तो होते ही हैं कि ये आंसर शीट है सेंटर नंबर है ठीक है

छोटे चर्च टाइम पढ़ रहा था वो चर्च टाइम हिज राइट इंडेक्स फिंगर वॉज बिन इो क्लेरिकलर उसने ऐसे अपना क्लेरिकल कॉलर पकड़ रखा था ठीक है द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड वर स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड और दूसरे से वो अपनी बियर्ड पकड़ रहा था चैप्टे पढ़ लिया तो हमें पता है कि वैसे तो जब भी स्टीफेंस देखता था तो एवान्स जैसे पेन के साथ बैठा हुआ था और साथ में जो मैकलेरी थे उन्होंने ऐसे अपनी पकड़ रखा था कॉलर और वो ऐसे अखबार पढ़ रहे थे बट वी नो दैट जैसे ही स्टीफेंस वहाँ से नजर हटाता रहा था तो उन्होंने क्या करा इवान्स ने भी दूसरे वाली ड्रेस पहनी दो जो मैकले था वो दो ड्रेस पहन के आया था और क्या करा इवान्स ने अपने बाल पहले से ही कट करके रखे हुए थे जो उसने बॉबल हेड से छुपा रखे थे तो ये सब उन्होंने प्लानिंग कब कर रखी थी पहले ही जब वो

A Ivan's सा चिली हो रहा होगा उसका सेल, तो इसलिए उसने जो है, वो लिया है बट वी नो गाइस की अगर उस समय पर स्टीफेंस ने ब्लैकेट ओढ़ने से मना कर देता तो जो ये मास्टर प्लान ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता क्योंकि तब जो है मैकलेरी ने और इवान्स ने जो है इवान्स ने भी अब मैकलेरी जैसे कपड़े पहन गए थे इसलिए उसने ऊपर क्या करा ब्लैंकेट डाल लिया अगर वो मना कर देता ब्लैंकेट डालने को स्टीफेंस तो वो जो है उनका मास्टर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं हाउ द इंजर्ड मेक्लेरी बेहेव वॉट डू यू थिंक डिड ही अचीव बाय दिस सॉट ऑफ बिहेवियर तो जब इंजर्ड मेक्लेरी जो था जब स्टीफन जिक्ट और इवान्स उसको मार के भाग गया तो इंजर्ड मेक्लेरी कैसा बिहेव करते हैं और उसने कैसे हेल्प करी तो द इंजर्ड मेकलेरी क्लेम टू नो वेयर इवान्स इंजर्ड मेकलेरी क्या कहते हैं मुझे पता ही वास्स का मुझे पता ही वास्स का ही शोड मोर इंटरेस्ट इन अराइवल ऑफ पुलिस देन ऑफ एंबुलेंस उसको ये नहीं था कि खुद को चोट लगी तो एम्बुलेंस को बुला बट नहीं वो पहले पुलिस को बुलाना चाहता ही डू गवर्नर अटेंशन टू द जर्मन क्वेश्चन पेपर जर्मन

क्राइम में और पनिशमेंट में बैटल ऑफ विट्स ही हमेशा जीती है यानी कि जो ज़्यादा दिमाग से वो समझते काम लेते हैं वो जीतते हैं तो यस इट इज़ अ बैटल ऑफ विट्स बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इफ द गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्सिंग ऑफिशियल्स आर विजिलेंट क्राइम कैन बी डिटेक्टेड एंड क्रिमिनल्स कैन बी बुक्ड ठीक है तो अगर वो ज्यादा विजिलेंट होते ज़्यादा जो है दिमाग से चलते या फिर उन्होंने जो है सिंपत्ति नहीं शो करी होती तो वो जीत जाते बट क्रिमिनल्स लाइक इवान्स कैन ट्रिक द अथॉरिटीज़ एंड स्केप पनिशमेंट एज लॉन्ग एज ऑफिशियल्स आर स्लो एंड लैक अलर्टनेस एंड विट बट अगर, अगर, अगर थोड़ी सी भी जो है अलर्टनेस अपनी कम करेंगी तो इवान जैसे कनिंग क्रिमिनल्स चीज जाएंगे तो विद विद् क्वेश्चन कंप्लीटेड नाउ वी विल डू द लॉन्ग क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो लॉन्ग क्वेश्चन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद दिस ऑफ लक एंड आज हमारा इंग्लिश का जो फर्स्ट रिविजन बैच है वो कंप्लीट हो गया है मैंने फ्लेमेंगो बुक विस्ताज बुक्स ऑल द पोएम सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट करवा दिए हैं बाकी सब चैप्टर की एक ही वीडियो है बस इवान्स की दोगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश टर्म टू पे गिवन है वहां से आप सभी क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर सकते हो इंस्टाग्राम ID पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो